हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है नाइन्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 12, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़े कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये जाने कि रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, यानी कि एक फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन वो कैसे लेते हैं, किस तरीके से फंड आएगा, उस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, और उस फंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले और ज्यादा से ज्यादा सरप्लस बचे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्दर एक्सपेंशन के लिए, है ना। हम लोग बहुत सारा ये भी डिसीजन देखे कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जाता है, प्लस लॉन्ग टर्म अगर सोर्स ऑफ फंड लेना है तो डेट ओनर्स फंड इशू करेंगे कि डेट फंड के थ्रू पैसा लाएंगे, ये सब अगर ये सब जो बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज का हमारा मैटर और डिस्कशन है ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिए, उसका रोल पढ़ लिए, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान हो जाता है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, मेन उद्देश्य क्या है। एक फाइनेंस मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को मैनेज करेगा, क्यों करेगा, क्या रीजन होगा इसके पीछे। तो हम आपको बताएं, कल के क्लास में बताए थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर को खुश रखें। यानी कि एक फाइनेंस मैनेजर का कोशिश होता है कि हम शेयर होल्डर को खुश रखें, और शेयर होल्डर खुश कैसे रहेगा, जब उसको अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। जब किसी भी कंपनी की बात करें तो कोई कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा देता है ना क्वार्टरली, देखिए हर कंपनी अलग अलग तरीके से डिविडेंड देता है, कोई क्वार्टरली देता है, कोई सिक्स मंथ पे देता है, कोई हाफ ईयरली देता है, कोई ईयरली देता है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। पर अगर कंपनी अप्रोप्रिएट मैनर में, है ना, डिविडेंड अगर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, इसका ये मतलब है कि कंपनी अपना सारा फाइनेंशियल पहले ऑब्लिगेशन फुलफिल कर चुका है। देखो, शेयर होल्डर को डिविडेंड जो भी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्योर प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट बचा, यानी कि सारा कमिटमेंट फुलफिल करने के बाद आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे, बच गया पैसा तो ठीक है। और सारा कमिटमेंट फुलफिल करने के बाद अगर आप अच्छे लार्ज अमाउंट पे आप डिविडेंड बांट रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने कंपनी का जितना भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, जैसे इंटरेस्ट देना, जैसे क्रेडिटर का टाइम पे पेमेंट करना, जैसे लोन का रीपेमेंट करना, ये जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है ये आप ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हो, तब जाके आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पा रहे हो। और अगर अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है, तो अगर आप डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं तो ये आपकी कंपनी का साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है कि आपका कंपनी कितना अच्छा काम कर रहा है। बात समझे? अच्छा, और एक और बात, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा देता है, तो इससे फायदा क्या होता है कि शेयर का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है। क्योंकि जैसे मान लो हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं और हमको डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खरीदे, वो भी चाहेंगे कि भाई हम भी इस कंपनी का शेयर खरीदे, क्योंकि हमको भी तो डिविडेंड चाहिए। तो अगर हमको बेनिफिट हो रहा है तो और जितने इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो अट्रैक्ट होंगे, और वो अट्रैक्ट होंगे तो शेयर का डिमांड बढ़ेगा, और शेयर का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से डिविडेंड जब आप बांटते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, रोल एकदम इजी है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके। द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। Maximize the wealth of the equity shareholder. Main objective क्या होता है? Wealth maximize करना। और ये wealth मतलब क्या होता है? मतलब जो invest किया है, जो equity shareholder है, आपको पता है equity shareholder जो है वो owner of the company होता है। तो owner का wealth increase करना,
और ये कैसे होगा? दो तरीके से होगा। पहला तो डिविडेंड बांट के, तो डिविडेंड जैसे ही बांटेंगे शेयर होल्डर को तो उसको बेनिफिट होगा, उनका प्रॉपर्टी उनका उनका वेल्थ इंक्रीज होगा। और दूसरा जब आप डिविडेंड बांटेंगे तो शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये 90 रुपये का शेयर था, 90 रुपये का एक शेयर था, ठीक है। अब मेरे को कंपनी डिविडेंड बांटी 10 रुपया मान लो, तो ये मेरा एक फायदा हुआ, 90 रुपया हम इन्वेस्ट किए, हमको 10 रुपया डिविडेंड मिला। और साथ ही साथ डिविडेंड बांटने के कारण लोग पब्लिक जो है मेरे, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी का डिमांड बढ़ा, तो ये 90 रुपया से शेयर का प्राइस बढ़ के 110 रुपया हो गया या फिर 120 रुपया हो गया। तो देखो दो तरीके से फायदा हो रहा है, पहली बात तो 90 रुपये का शेयर 110 रुपया हो गया और दूसरा मेरे को डिविडेंड मिला, तो डबल फायदा है ना। तो इस वजह से कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फाइनेंस मैनेज करते हो तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज करें। द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक डिसीजन फॉर द ओनर, है ना, और ओनर दैट इज शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। ही मस्ट टेक सच डिसीजन विच विल अल्टीमेटली प्रोवाइड गेनफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the shareholder, and shareholder gain only when the price of the share increases in the market, है ना। क्या कह रहा है कि कुछ इस तरीके से मैनेज होना चाहिए जो हम डिस्कस किए अभी तक, वही बता रहा कि the price of the share increases in the market, so the financial decision which result in increase in the value of share is considered very efficient decision। तो वो decision जिसके कारण, वो financial decision जिसके कारण शेयर का प्राइस इंक्रीज कर गया उसको बहुत उमदा डिसीजन माना जाता है कि चलो भाई इसके कारण शेयर होल्डर को फायदा हुआ, और शेयर होल्डर का फायदा हुआ यानी कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड द फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कंसिडर्ड एज पुअर डिसीजन, और जिसके कारण पैसा घटेगा, जिसके कारण शेयर का प्राइस घटेगा, वो पुअर डिसीजन होगा, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर ऑटोमेटिकली फुलफिल मेनी अदर ऑब्जेक्टिव। अब अगर आप शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर दिए, यानी कि उसको टाइम पे डिविडेंड बांट रहे हैं या फिर ऐसा डिसीजन लिए जिसके कारण शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो शेयर होल्डर का वेल्थ भी इंक्रीज हो गया। अब ये शेयर होल्डर का वेल्थ अगर इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा? देखो, as the equity shareholder get share from residual income, बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है उससे मिलता है शेयर होल्डर को प्रॉफिट। हम आपको बताए थे ना कि शेयर होल्डर जो है वो मालिक होता है और मालिक को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है, और लास्ट में पैसा मिलता है कहने का मतलब कि बचा खुचा पैसा जो है वो डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं शेयर होल्डर के बीच में, यानी कि कंपनी अपना जितना भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर चुका है, तब जो पैसा बचा है वो शेयर होल्डर के बीच में बांट रहा है। इसका ये मतलब है कि कंपनी अपना हर फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑलरेडी फुलफिल कर चुका है ना। देखिए क्या कह रहा है, दैट इज दे आर गिवन डिविडेंड ओनली आफ्टर द क्लेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का क्लेम फुलफिल कर दिए हैं, इम्प्लॉय को सैलरी दे दिए हैं, लेंडर का उसका अगर कोई ड्यू अमाउंट है तो वो पे कर दिए हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए हैं, एंड एनी अदर लेगिटिमेट क्लेमेंट्स। क्लेमेंट्स कहने का मतलब वो लोग जो कंपनी से क्लेम करने वाले हैं पैसा, क्लेमेंट्स कहने का मतलब जिसको कंपनी को पैसा देना है ना, यानी कि कंपनी जिसको पैसा पे करेगी उसको बोलते हैं क्लेमेंट्स। तो पूरा क्लेमेंट्स पे करने के बाद, पूरा इम्प्लॉय को सैलरी दे दिए, लेंडर को पैसा दे दिए, क्रेडिटर को पैसा दे दिए, सप्लायर को पैसा दे दिए, तब जो बचा हम लोग वो डिविडेंड के तौर पे बांटते, तो कहीं ना कहीं सारा कमिटमेंट तो फुलफिल हो चुका है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल कर देता है। तो देयरफॉर इफ द शेयर होल्डर आर गेनिंग, इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड, इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट All other claimants are also gaining. जितने भी claimants है उनका भी need fulfill हो रहा है और उनका भी जो requirement है वो fulfill हो रहा है ना। ये क्या कह रहा है, maximizing the wealth of equity shareholder.
किस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकता है, तो एक शॉर्ट में दे रहा है आपको, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कैश क्रंच नहीं होने देते हैं, जब भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आया आप फुलफिल कर दिए, लिक्विडिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द क्रेडिटर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट फुलफिल कर रहे हैं, है ना। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी फंड आया उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इन चारों से क्या होता है, आपका वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज होता है, यानी कि वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज करने के लिए चार फैक्टर का होना जरूरी है। मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल कमिटमेंट फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिटर जो भी पेमेंट कर रहा है वो आप टाइम पे कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली हो रहा है, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये भी क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डज नॉट मीन द फाइनेंस मैनेजर शुड इन्वॉल्व द एंड मैनिपुलेट द एक्टिविटीज टू ब्रिंग द प्राइस राइज। अच्छा, एक और बात कर रहा है कि भाई अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलत तरीके से मैनिपुलेशन करके शेयर का प्राइस इंक्रीज करवाते, है ना। जैसे कभी कभी होता है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ मगर कंपनी प्रॉफिट अनाउंस कर दिया कि हाँ कंपनी को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उस तरीके का बोगस इंफॉर्मेशन नहीं देना। हालांकि इसके लिए बहुत सारी कंसर्न अथॉरिटी है जो इसके ऊपर वॉच रखती है कि कोई कंपनी गलत तरीके का इंफॉर्मेशन ना दे, अगर ऐसा पता चलता है तो पेनाल्टी भी लगता है कंपनी के ऊपर। द राइज इन द प्राइस मस्ट कम विथ ग्रोथ ऑफ द फर्म, विथ इंक्रीज इन द प्रॉफिट फर्म, एंड विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द प्रैक्टिस पार्टीज एसोसिएटेड विद द कंपनी, है ना। क्या कह रहा है कि शेयर का प्राइस जो इंक्रीज होना चाहिए वो सारे शेयर होल्डर, मतलब सारा कमिटमेंट फुलफिल कर दिए, और एक प्रॉपर प्रोसेस से इंक्रीज होना चाहिए, है ना। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द इक्विटी शेयर होल्डर फॉल, है ना, जैसे ही अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फुलफिल करती हैं तो ये चारों ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका फुलफिल हो जाता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर का प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है, शेयर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहने का मतलब क्या है, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि शेयर होल्डर को टाइम पे डिविडेंड भी मिल रहा है और शेयर होल्डर का शेयर का प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, तो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। और ये तभी होगा जब ये कमिटमेंट फुलफिल कर चुके हैं, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है और फाइनेंशियल कमिटमेंट फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। फाइनेंशियल डिसीजन कहने का मतलब कि तीन तरीके का डिसीजन लिया जाता है एक फाइनेंस मैनेजर के द्वारा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, है ना, पैसा कहाँ से आएगा, और डिविडेंड डिसीजन, मतलब डिविडेंड देना है कि नहीं देना। देखो, जरूरी नहीं है कि कंपनी हर साल डिविडेंड दे, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास एक कोई ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान कहने का मतलब कंपनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, कंपनी कहीं पैसा लगाना चाहती है, न्यू प्लांट सेटअप करना चाहती है, तो कंपनी को चाहिए पैसा। और अगर कंपनी डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को पैसा बांट देगा तो फिर कंपनी का तो कैश आउटफ्लो हो गया, तो कंपनी फिर वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेगी, तो दिक्कत है ना। अगर आप अपना, जैसे सिंपल सा बात है, आप घर में कुछ भी खरीद रहे हैं, लोन लेके खरीद रहे हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपको सामान का जो पैसा है वो भी रीपेमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो भी मीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर आप पैसा सेव करके खरीद रहे हैं सामान,
तो जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो नहीं आएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर डिसीजन ये लिया जाता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं। अगर ग्रोथ प्लान है तो डिविडेंड नहीं देंगे, और देंगे भी तो कितना देंगे, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो सबसे पहला आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें। देखो यहाँ पे एक इमेज है, हम फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करें और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। एक फाइनेंस मैनेजर और क्या करता है, फाइनेंस डिसीजन लेता है। फाइनेंस डिसीजन कहने का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कॉमर्शियल बैंक से आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगा, कि शेयर होल्डर से आएगा, कि है ना। फिर उसके बाद डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड में क्या करें, रिटेंशन करें कि डिविडेंड बांटे। रिटेंशन कहने का मतलब कि जो डिविडेंड का पैसा है वो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम फाइनेंस मैनेजर हैं और आप मेरे कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है। कंपनी एक साल मेहनत की, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, सारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिए। अब जो बचा हुआ 1 करोड़ रुपया है वो क्या करें, या तो शेयर होल्डर के बीच में बांट देंगे, और या तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे कहीं और, ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पे कंपनी का एक्सपेंशन हो। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि 30 लाख रुपया हम डिविडेंड बांटेंगे, 30 लाख रुपया डिविडेंड बांटेंगे, और 70 लाख रुपया जो है वो रख लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग फर्दर प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं। कंपनी डिसीजन ले रहा है, तो इसको कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब वो अर्निंग जो शेयर होल्डर के बीच में बटना चाहिए था मगर बटा नहीं, कंपनी उसको रिटेन्ड कर ली। रिटेन करके क्या कर लिया, कंपनी अपने पास रखा और उसको फर्दर प्रोजेक्ट में लगाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शेयर होल्डर का ही वैल्यू बढ़ता है इससे, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें और कितना पैसा हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए रखें। कैपिटल बजटिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोले चाहे कैपिटल बजटिंग बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए, दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच द फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। अ फर्म हैज मेनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट फंड बट द फर्म हैज टू सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट, है ना। कंपनी के पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है मगर जहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, जहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, जहां पर सबसे ज्यादा सबसे कम रिस्क होगा, कंपनी वहां पर पैसा लगाना, कंपनी को वहां पर पैसा लगाना चाहिए। विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द फर्म एंड डिसाइडिंग और सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जो सबसे बेस्ट प्रपोजल है उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करेंट एसेट्स। व्हेन द डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स इज टेकन इट्स कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए आपको एक डेफिनेशन दे रहा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। तो देखो कंपनी, हम आपको बताएं कि फिक्स्ड एसेट्स का भी डिसीजन लेता है, करेंट एसेट्स का भी डिसीजन लेता है। तो फिक्स्ड एसेट्स का जो डिसीजन लेते हैं कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना समय के लिए ब्लॉक होगा, तो इस डिसीजन को जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, ना कि करेंट एसेट्स। अगर करेंट एसेट्स भी आ गया तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बात समझ में आया, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों का डिसीजन ले रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पर अगर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मर्ज करके देता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन टर्न टू फॉर्चून ऑफ अ कंपनी। फॉर्चून ऑफ अ कंपनी मतलब, सिंपली कहने का मतलब, कैपिटल बजटिंग डिसीजन से क्या होता है
कंपनी का किस्मत बदल सकता है। मतलब किस्मत कहने का मतलब, देखिए आप अगर अपने एसेट्स को सही तरीके से खरीदें तो इससे फायदा क्या है ना कि आपका आपको इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। जैसे मान लीजिए, देखो होता क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल बजटिंग में हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स अगर एक बार गलत डिसीजन लेके खरीदा गया है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक फोर व्हीलर खरीदना, ठीक है, तो ये आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अब आपके आप अफोर्ड कर सकते हो 10 लाख रुपए का कार, आप 10 लाख रुपए का कार लोन पे लेकर अफोर्ड कर सकते हो, मगर आप दिखावा के चक्कर में आप मर्सिडीज खरीद लिए 50 लाख रुपए का, तो प्रॉब्लम क्या है, आप तो लोन ले लिए, आपको इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, रीपेमेंट भी करना पड़ रहा है, और ये आपको लंबे समय तक इम्पैक्ट करेगा। बात समझ में आया? तो एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं कैपिटल बजटिंग में, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको इम्पैक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, लंबे समय के लिए है, लार्ज अमाउंट है, फिर उसके बाद इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार आप डिसीजन ले लिए तो आप पीछे मुड़ नहीं सकते। तो इस वजह से अगर कैपिटल बजटिंग का डिसीजन आप बहुत अच्छे से लिए हो तो इसका ये फायदा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का किस्मत बदल सकते हो। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहला कह रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपको हेल्प करता है, क्योंकि भाई एक बार अगर सही तरीके से इन्वेस्ट कर दिए तो इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, है कि नहीं? तो देखिए क्या कह रहा है, द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज द फंड इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड अपॉन द डिसीजन ओनली। बात समझे? आपका कल कैसा होगा ये हाईली डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो, है ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करो। आज आप क्या कर रहे हैं ये बताएगा कि आपका कल कैसा होगा। तो उसी तरीके से एक फाइनेंस मैनेजर होने के नाते आप अगर आज सही से डिसीजन लिए हैं तो इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, आपका फ्यूचर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो वेल डिजाइंड रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्व। कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत केयरफुली, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, एंड इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सेलेक्टेड इट मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, है ना। दैट इज वाई द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टेकन कंसिडर वेरी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्लांट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर देखेंगे, क्या आने वाले समय में इसमें डिमांड रहेगा कि नहीं, क्या आने वाले समय में इसमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं कि नहीं, क्या चेंजेस आएगा। अब जैसे मान लो, बताओ आज के डेट में धोती कुर्ता का बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि इसका डिमांड खत्म हो चुका है। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको एक बार आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए तो आपको लंबे समय तक वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट। इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एंड इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सेलेक्टेड, अगर गलत प्रपोजल आप सेलेक्ट कर लिए, आज तो सही है, 2 साल के बाद पता चला कि उसका डिमांड खत्म हो गया, इट मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, दैट इज वाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टेकन, है ना, टेकन आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर एंड प्लानिंग। तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स, बहुत ज्यादा प्लानिंग चेक करने के बाद आप ये डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है,
रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व कहने का मतलब, अब जाहिर सी बात है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो रिस्क भी तो इन्वॉल्व होगा ना, क्योंकि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इसका बेनिफिट आपको 15 साल 20 साल तक लेना है, तो जाहिर सी बात है लंबे समय की बात कर रहे हैं तो रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। तो द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड एंड ऑल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर द लॉन्ग पीरियड, है ना। कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करती है नए प्रोजेक्ट पे तो एक दिन में रिटर्न नहीं आता, 10 साल 20 साल के बाद रिटर्न आएगा। तो चूंकि लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में रिस्क जो है वो क्या हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इररिवर्सिबल डिसीजन, यानी कि एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब आप अपना स्टेप पीछे नहीं ले सकते। अगर आप इन्वेस्ट कर दिए तो भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो चूंकि इररिवर्सिबल डिसीजन है तो अगर गलत डिसीजन हो गया तो आपको लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा वो, है ना। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड ओवरनाइट एज द डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड एंड हैवी कॉस्ट, गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन मे रिजल्ट इन हैवी लॉस और वेस्टेज ऑफ फंड। सो these decision must be taken after careful planning and evaluation of all the effects of that decision because adverse consequences may be very heavy, है ना। या क्या क्या कह रहा है यहाँ पे कि कंपनी को बहुत carefully decision लेना चाहिए planning करके, क्योंकि अगर एक भी adverse situation आया तो बहुत बड़ा loss company को bear करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फिर उसके बाद हम लोग फाइनेंस डिसीजन की बात करेंगे, यानी कि आज के क्लास में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़े और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और उसका रोल क्या होता है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।